जब स्कूल का जो है पीरियड लगता है, आगे पीछे मास्टर जी का, मास्टर जी ये बता दो तो मास्टर जी कैसे बताएंगे। जब पीरियड लेते हैं, क्लास लेते हैं, उस समय सारी बातें बताते हैं। आज आपको शुगर का अच्छी तरह सारा इलाज बताएंगे, ध्यान से आप समझ। सब स्टेप वाइज स्टेप चलना। सबसे पहले तो पेट साफ होना चाहिए सारी बीमारियों में। आपको कोई भी बीमारी है, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए। अगर पेट आपका साफ नहीं होता तो उसको पेट को साफ करना है। अगर मल अंदर बहुत सूख जाता है तो आप उसको जो है अनीमा से पेट को साफ करें, अनीमा। लेकिन इसको जो है रोज नहीं लेना है, इसको ये इमरजेंसी ट्रीटमेंट है। ये अनीमा, अंदर मल सूख गया, गांठे बन गई, तो आप अनीमा से पेट साफ करें। लेकिन हम लोग प्रेफरेंस जो है वो देते हैं ज्यादा कि आप अपना भोजन ही ऐसा खाएं जिस भोजन खाने से आपका पेट साफ हो जाए। सबसे ज्यादा हम प्रेफरेंस उसको देते हैं। इसके अलावा आप अमलतास का काढ़ा रात को आप लोग भिगो करके सवेरे रख दें, ये है अमलतास। इसको इतनी सारी फली परमात्मा ने ये बनाई है, इसकी शेप हमारी आंत जैसी है, जैसे हमारी आंत होती है ऐसे बरीक बरीक बीच में, ऐसे हमारी आंत होती है। इसको इतना सारा लेकर के इसके ऊपर लकड़ी है, सील करी हुई है लकड़ी से इसको, ताकि इसको खराब ना हो, कीड़े ना पड़े, ये इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म ना हो। 4-6 महीने हमें रखनी पड़ती तो हम इसको रख सकते। इसको ऊपर से तोड़ के काले रंग का गुद्दा निकाल के उसको भिगो दो पानी में, उसके बाद उबाल करके इसको रात को सोते समय ले लो, फिर रात को भिगो दो, सुबह ले लो। इससे आपका पेट पुरानी से पुरानी कभी ठीक हो जाएगी। या फिर आप भोजन ऐसा लें जिससे साफ हो जाए। बथुए का रस सर्दियों में आता है, बथुए का रस पीले निकाल के उससे पेट साफ हो जाता है। आजकल पालक धनिया का जूस निकाल के पीने उससे पेट साफ हो जाता है। ये चुलाई आ रही है, चुलाई का जूस निकाल के पीने इससे भी पेट साफ हो जाता है। अभी अभी अपना नाशपाती आएगी, नाशपाती का जूस काफी मात्र एक गिलास भर के ले लें, उससे पेट साफ हो जाता है। खीरा टमाटर हरा धनिया इसका जूस पिए, इससे भी पेट साफ हो जाता है। इन चीजों से भी पेट साफ हो जाता है। ये चीजें तो खानी बिल्कुल बंद करनी। पेट साफ हो गया उसके बाद आपको क्या करना है, आपके जो पेंक्रियाज हैं उसकी वजह से, कमजोर होने की वजह से आपकी शुगर बढ़ती है। क्योंकि जो कुछ भी हम भोजन खाते हैं, अनाज वगैरह, उसके अंदर में ग्लूकोज होता है, मिठास होती है, कुछ हमारी बॉडी उसको ग्लूकोज कन्वर्ट करती है। कन्वर्ट करने के बाद फिर उसके अंदर में एक इंसुलिन तत्व वो उसमें मिक्स करती है, उससे हमारे शरीर के अंगों को ताकत पहुंचती है, वो हमारे शरीर को लग जाती है। अगर इंसुलिन नहीं मिलती उसके अंदर में तो हमारे शरीर को वो खाए हुए भोजन के अंदर न्यूट्रिशन जो होता है वो लगता नहीं है, बल्कि वो ग्लूकोज हमारे खून के अंदर में जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है। फिर हमारे शरीर के अंदर में कुछ ऐसी अबनॉर्मल हमारे अंदर कुछ क्रियाएं होती है जिससे हमारे को कुछ कष्ट सा महसूस होता है। हम चेक कराते हैं तो पता लगता है कि हमारी शुगर बढ़ गई है, फिर हम उसकी दवाई खाते हैं। दवाई हमारे पेंक्रियाज को एक्टिव नहीं करती है, वो सिर्फ ब्लड शुगर को ही कंट्रोल करती है। साथ में उसके केमिकल जो है वो हमारे किडनी लिवर हार्ट को कमजोर करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए आज ही से आपको शुगर की दवाई बंद करनी है। हमें बंद करने, दवाई बंद करने के हम क्यों बंद करवाते हैं, जो दवाई हमारा काम करती है उसके बदले में परमात्मा ने जो चीजें हमें बना करके दी है वो उसी दवाई से ज्यादा बेहतर काम करती है, उस दवाई से। इसलिए उन चीजों का सेवन करें जो ईश्वर ने हमें दी है, और जब हम उनका सेवन करेंगे तो वो दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी हमारी, वो दवाई खत्म। और दूसरी बात, जो चीजें ईश्वर ने बनाई है, पेठे का जूस है जैसे, वो हमारी शुगर को कंट्रोल तुरंत करता है, और साथ साथ हमारे पैंक्रियाज जो कमजोर हो चुके हैं उसको ताकत भी देता है। कैल्शियम आयरन फॉस्फोरस उसमें होता है और उसको ताकत भी देता है। तो जब उसको ताकत भी मिलेगी और साथ में शुगर को कंट्रोल भी करेगा तो आपकी शुगर पहले दिन से कंट्रोल हो जाएगी, आपकी दवाई छूट जाएगी और आपको जो है दवाई नहीं खानी पड़ेगी और शुगर आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएगी।
तो आप कंट्रोल हो गए। अब क्या करना है, पहले शुरू शुरू में किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको हाई ग्लूकोज का भोजन नहीं लेना जिसमें शुगर ज्यादा हो, क्योंकि अगर ज्यादा शुगर वाला भोजन लेते हैं तो आपके पैंक्रियाज पर लोड पड़ता है उसको कंट्रोल करने के लिए, और आपके पैंक्रियाज कमजोर हो चुके हैं, इतना लोड बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए फिर वो कंट्रोल नहीं करते शुगर को, वो दबे रहते हैं, इसलिए उनको पहले तो ओवरलोड नहीं करना, लो ग्लूकोज का भोजन लेना है जिसके अंदर में ग्लूकोज लगभग ना मात्र हो। जैसे पेठे का जूस हुआ, खीरा टमाटर हुआ, घीये का जूस हुआ, जैसे कड़े पत्ते का जूस हुआ, नारियल पानी हुआ, जैसे कम मिठास वाले फल हुए, आड़ू हुआ, जैसे सेब हुआ, थोड़े कम मिठास वाले बेल आ रहा आजकल, बेल हुआ, ये कम मिठास वाले फल। और इसके साथ साथ अगर वजन ज्यादा है आपका जरूरत से, तो अनाज दाने दूध और दूध से बनी चीजें, चाय वगैरह, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, ये चीजों का बिल्कुल सेवन नहीं करना। कभी भी चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, ब्रेड, बिस्कुट, मिठाइयाँ, चीनी वगैरह जो फैक्ट्री में बन के आया भोजन, ये तो कभी भी किसी को भी सेवन नहीं करना, क्योंकि यही हमारे शरीर के अंगों को भोजन कमजोर करता है। इसके साथ साथ थोड़े समय के लिए जब आपको डायबिटीज हो, अनाज खाना आप बंद कर दें। अगर आपका वेट थोड़ा लो है तो एक टाइम आप अनाज ले लें। अनाज की मात्रा को भी कम करने के लिए उसके अंदर में पालक मिक्स कर लें आटे में, उसके अंदर में घी आप कद्दूकस करके ये मिक्स कर लें, उसमें चौड़ाई आ रही है आजकल, ये चौड़ाई मिक्स कर लें। इनके अंदर में ग्लूकोज ना मात्र होता है, बिल्कुल नहीं होता। अनाज के अंदर ग्लूकोज ज्यादा होता है, उसके ग्लूकोज को कम करने के लिए जब आप ये चीजें उसमें मिक्स कर लेंगे तो ग्लूकोज तो सिर्फ थोड़ा सा अनाज रह जाएगा, उसमें ही रहेगा ग्लूकोज, और बाकी चीजें जो आप ये सब्जी सलाद उसमें डालेंगे वो ग्लूकोज को कंट्रोल भी करेगी और आपके पैंक्रियाज को ताकत भी देगी, जिससे इंसुलिन और ज्यादा फॉर्मेशन शुरू हो जाए। इसलिए आपको आपके ये जो रूटीन आप अपनाएंगे, खाना पीना जो बताया है, इसको खाने से पहले ही दिन से आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी और आपको दवाई नहीं खानी पड़ेगी। पहले सवेरे उठते ही ये एक नीम गिलोय का काढ़ा हमारे पास, ये काढ़ा जो है वो आप लोगों को सवेरे उठते ही एक बार पी लेना, चाहे 4 बजे उठे, 5 बजे उठे, 6 बजे उठे। उसके बाद थोड़ा परमात्मा का ध्यान करें या उठते ही परमात्मा का ध्यान करने के बाद ले लें, ये आपकी इच्छा है। फिर उसके बाद थोड़ी सैर करें, एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है सबके लिए, चाहे कोई भी बीमारी हो। उसके बाद थोड़ी एक्सरसाइज करें, योगासन करें, प्राणायाम करें, जितना आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि बहुत सख्त करने हैं, अपनी क्षमता अनुसार करें। फिर उसके बाद में धूप निकलती है, आप सनलाइट लीजिए शरीर के ऊपर, वो भी हमारा भोजन है सनलाइट भी, उसमें भी न्यूट्रिशन मिलता है हमारी बॉडी को, बॉडी के ऑर्गन हमारे एक्टिव हो जाते हैं, डी विटामिन मिलता है, हमारी पाचन क्रिया स्ट्रांग होती है हमारी। इसलिए 15 मिनट आधा घंटा सुबह सुबह की धूप 1 घंटा आराम से बैठ के आगे से पीछे से लीजिएगा सूर्य की रोशनी। उसके बाद जब आपको हल्का पसीना आ जाए तब आपने उठना है, माथे पे पसीना आएगा, थोड़ा सा यहाँ पसीना आएगा, जब यहाँ पसीना आ जाए तब आपने बाहर उठ करके वहां से छाया में चले जाना और उस समय ये पानी की पट्टी लगा दीजिए पेट पे, गले पे और सिर पे, 3 जगह ये पानी की पट्टी लगानी है। कैसे लगानी है वो आप समझ लीजिएगा पानी की पट्टी को, इससे आपके पेट के अंग सारे और एक्टिव हो जाएंगे पानी की पट्टी, क्योंकि थोड़ा सा शरीर में गर्मी आई, गर्मी आने सारी चीजें टिश्यू एक्सपेंड हुए, फैले, सारे कुछ गंदगी जमी हुई थी सूर्य की रोशनी से, सूर्य की तब से सॉफ्ट हो गई, इसलिए उसके बाद आप पानी की पट्टी लगाएंगे पेट पे, तो यहाँ खून का दौरा तेज हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, एकदम ऊपर भी गर्म है नीचे भी गर्म है, ब्लड यहाँ से भी पेट में जाएगा, ऊपर से भी पेट में जाएगा, तो आपके पैंक्रिया, लिवर, आपका गॉल ब्लैडर, आपका इंटेस्टाइन अंदर में जितनी भी है ये सारी चीजें एक्टिव हो जाएंगी, किडनी उनमें फास्ट काम होना शुरू हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन तेज होने के कारण, इसलिए आपकी शुगर बहुत जल्दी कंट्रोल होगी। वो पट्टी कैसे लगानी है वो आप समझ लीजिएगा शॉर्ट के अंदर में।